इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके तृणमूल अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल की रात 8 बजे उनका निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल की उम्र 95 साल की थी। बादल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया था। तकलीफ बढ़ने पर शुक्रवार को उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया था। बता दें कि जून 2022 में भी सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ समय बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। फिर सितंबर 2022 में फिर सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रकाश सिंह बादल का लंबा सियासी सफर रहा है। वो पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री बने हैं। इस समय से बीमार चल रहे थे और आपको बता दें कि अब भी उनको सांस लेने में कुछ परेशानी बनी हुई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब समस्या बढ़ी तो ICU में भी शिफ्ट किया गया था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। और आपको बता दें कि बीती रात उन्होंने 8 बजे अंतिम सांस ली।